नमस्ते दोस्तों, एज प्रॉमिस्ड आ गए हैं सैटरडे के दूसरे बीबीएल गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। पर्थ स्कॉर्चर्स और ब्रिस्बेन हीट होंगे आमने सामने इस गेम में। पर्थ अपना लास्ट मैच हार के आ रही है, बट इन्हें अब भी पर्थ में बीट करना मुश्किल ही होगा। हीट वहीं पॉइंट्स टेबल में सेकंड लास्ट पर है, बट इनकी बैटिंग लाइनअप आप देखोगे तो इनके पास बहुत एक्सप्लोसिव बैटर्स हैं जो अपने दिन पर 200 का स्कोर बनाने की भी क्षमता रखते हैं और वहीं लो स्कोर पर भी ऑल आउट हो सकते हैं। जैसे हमने कहा, पर्थ को पर्थ में हराना इनके लिए काफी चैलेंजिंग होगा। टीम न्यूज की बात करें तो ब्रिस्बेन हीट में सैम बिलिंग्स और कॉलिन मुनरो का ये लास्ट गेम होगा बिफोर दे लीव फॉर IL T20। पर्थ स्कॉर्चर्स से जाय रिचर्डसन रूल आउट हो गए हैं इंजरी की वजह से और फाफ डुप्लेसी भी साउथ अफ्रीका T20 के लिए निकल चुके हैं। एडम लिथ का ये लास्ट गेम होगा और स्क्वाड में अब ऐड हुए हैं डेविड पे और स्टीव एस्किनाज़ी। टीम के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीम्स ने आपस में 18 मैचेस खेले हैं, जिसमें पर्थ स्कॉर्चर्स 11 मैचेस जीती है और ब्रिस्बेन हीट केवल 7 मैचेस जीतने में सफल रही है। वेन्यू एनालिसिस की तरफ चलते हुए, ये मैच खेला जाएगा पर्थ स्टेडियम में, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करते हुए लास्ट 10 गेम्स में टीम केवल 3 बारी जीती है और बैटिंग सेकेंड करते हुए 7 बारी जीती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है अराउंड 140 का। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो पेसर्स ने डोमिनेट किया है, उन्हें ज़्यादा मदद मिली है विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 15.9। अब चलेंगे दोस्तों टॉप परफॉर्मर्स हेड टू हेड की तरफ। पहले हम बात करेंगे पर्थ स्कॉर्चर्स से एंड्रयू टाई की। इस सीजन में 7 इनिंग्स में अभी तक 13 विकेट्स निकाल चुके हैं एंड वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स हैं टूर्नामेंट के। हेड टू हेड रिकॉर्ड आप देखोगे तो 12 इनिंग्स में 18 विकेट्स ले चुके हैं और स्ट्राइक रेट रहा है केवल 14.1 का। अगली बात करेंगे जेसन बेरेंडॉफ की। ये भी हर मैच में अमंग द विकेट्स रहे हैं, 11 विकेट्स निकाल चुके हैं 7 मैचेस में अभी तक। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 11 इनिंग्स में 17 विकेट्स ले चुके हैं, स्ट्राइक रेट रहा है 14.8 का। अगली बात करेंगे सैम बिलिंग्स की ब्रिस्बेन हीट से। ये इनका लास्ट गेम है जैसे कि हमने बताया। ये सीजन बहुत अच्छा नहीं गया है, बट जाते जाते चाहेंगे कि टीम को एक अच्छा स्कोर बनाकर दे सके। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 6 इनिंग्स में 242 रन बना चुके हैं, एवरेज रहा है ऑलमोस्ट 50 का, जिसमें 2 हाफ सेंचुरीज भी शामिल। और नेक्स्ट बात करेंगे हम माइकल नीसर की ब्रिस्बेन हीट से। ये हमारे लास्ट टॉप परफॉर्मर हैं हेड टू हेड में। इस टूर्नामेंट में ये क्या नहीं कर सकते हैं, हैट्रिक भी यही लेते हैं, रन्स भी यही बनाते हैं, इस टीम के सुपरमैन कह सकते हैं। इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड आप देखोगे तो 10 इनिंग्स में 12 विकेट्स लिए हैं, स्ट्राइक रेट रहा अराउंड 17.4 का। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू टॉप परफॉर्मर्स एट वेन्यू। पहली बात करेंगे ब्रिस्बेन हीट से कॉलिन मुनरो की। लास्ट सीजन पर्थ के लिए खेले थे, इस वेन्यू पर खेलने का एक्सपीरियंस होगा। आप वेन्यू नंबर्स भी देखें तो 4 इनिंग्स में 3 बार 50 ऑलरेडी मार चुके हैं। अगली बात करेंगे जॉश इंग्लिस की। स्कॉचेस के टीम के लीडिंग रन स्कोरर हैं, एक वाइटल हिस्सा है बैटिंग लाइनअप का, विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स दिला सकते हैं एंड इस ग्राउंड पर भी 2 बारी 50 ऑलरेडी बना चुके हैं। अगले टॉप परफॉर्मर वेन्यू पे हैं एंड्रयू टाई, जो 16 इनिंग्स में 26 विकेट्स ले चुके हैं और स्ट्राइक रेट रहा है बस 13 का। और लास्ट टॉप परफॉर्मर वेन्यू पे हमारे होंगे एश्टन टर्नर। इस सीजन काफ़ी बैटिंग अपॉर्चुनिटी मिली है इन्हें, क्योंकि टीम का टॉप ऑर्डर इतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया है अभी तक, एंड जब भी बैटिंग करने आए हैं एक अच्छी लय में दिखे। वेन्यू के नंबर्स आप देखो तो क्लोज टू 500 रन बना चुके हैं 18 इनिंग्स में, जिसमें 4 बारी 50s भी मार चुके हैं। अब चलेंगे दोस्तों टॉप पिक्स फ्रॉम पर्थ स्कॉर्चर्स की तरफ। पहले आते हैं एंड्रयू टाई। ऑलरेडी 2 बारी 3-for ले चुके हैं इस सीजन में एंड 3 बारी 2-2 विकेट्स निकाल चुके हैं एंड लास्ट मैच छोड़कर हर मैच में अमंग द विकेट्स रहे हैं, तो टॉप पिक बन जाते हैं पर्थ स्कॉर्चर्स की तरफ से। दूसरी हम बात करेंगे जॉश इंग्लिस की। 7 इनिंग्स में 240 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 हाफ सेंचुरीज भी मारी हैं एंड इनका हाईएस्ट स्कोर आया था स्टार्स के अगेंस्ट, जो कि था 74। अगले टॉप पिक पर्थ स्कॉर्चर्स होंगे एश्टन टर्नर। इस सीजन में अभी तक 3 मैचेस खेले हैं इस वेन्यू पर, जहां इनके स्कोर्स रहे हैं 48 नॉट आउट के, 53 के और 61 के, तो अपने आप में ही एक मस्ट हैव पिक बन जाते हैं। और लास्ट टॉप पिक हमारे पर्थ स्कॉर्चर्स से होंगे जेसन बेरेंडॉफ। 1 बारी 3-for ले चुके हैं, 2 बारी 2-2 विकेट्स ले चुके हैं इस सीजन में, तो टीम को एक इंपॉर्टेंट प्लेयर। चलेंगे दोस्तों टॉप पिक्स फ्रॉम ब्रिस्बेन हीट की तरफ। पहले बात करेंगे माइकल नीसर की। 10 विकेट निकाल चुके हैं 5 इनिंग्स में, 1 4-for ले चुके हैं और 1 बारी 3-for भी ले चुके हैं, ऑलरेडी एक मस्ट हैव पिक बन जाते हैं। दूसरी बात करेंगे कॉलिन मुनरो की। लास्ट मैच एक एक्सप्लोसिव इनिंग्स खेल के आ रहे हैं, 7 मैचेस में 233 रन इस सीजन में ऑलरेडी बना चुके हैं एंड ऑलमोस्ट सेंचुरी भी बनाई थी थंडर्स के अगेंस्ट। थर्ड टॉपिक हमारे ब्रिस्बेन हीट से होंगे सैम बिलिंग्स। 160 ऑड रन बना चुके हैं इस सीजन में अभी तक, हाईएस्ट स्कोर इनका रहा था 79 का, जो कि स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट आया था। पिछले 2 गेम्स में स्टार्ट मिली है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये वो गेम हो सकता है जहां ये अपनी स्टार्ट को एक बड़े स्कोर में कन्वर्ट कर सके। और लास्ट टॉपिक हमारे ब्रिस्बेन हीट से होंगे मार्क स्टेकिटी। 9 विकेट्स निकाल चुके हैं सीजन में अभी तक, जिसमें 1 4-for भी शामिल है और 2 बारी 2 विकेट्स ले चुके हैं। लास्ट गेम में हाँ जरूर एक्सपेंसिव साबित हुए थे, बट 2 विकेट्स निकालने में भी सफल रहे। डिफरेंशियल पिक की बात करें तो पहले हम बात करेंगे पर्थ स्कॉर्चर्स से कैमरन बैंक्रॉफ्ट की। दोस्तों अगर आप इनका मैचअप नंबर्स देखोगे हीट के बॉलर्स के अगेंस्ट,
तो इन्हें अभी तक सिर्फ जेम्स बेसली ही एक बार ही आउट कर पाए हैं, बाकी किसी बॉलर ने इनकी विकेट अभी तक नहीं निकाली है। वहीं अब तक दो मैचेस खेले हैं जिसमें पहले मैच में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा था इनका बैटिंग में, तो आप लोग इन्हें अपनी टीम में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। दूसरे डिफरेंशियल पिक हमारे होंगे पर्थ स्क्वाटर से ही डेविड पेन। हो सकता है कि रिचर्डसन की एब्सेंस में ये डेब्यू करते हुए दिखें। इंग्लैंड के लेफ्ट आर्म पेसर हैं, एक उभरते हुए खिलाड़ी हैं। इस पिच पर इन्हें मज़ा ज़रूर आएगा खेलने में। बेहतरीन वाइटैलिटी ब्लास्ट स्कोर रहा है इनका। अगर आप देखें तो 9 इनिंग्स में 18 विकेट्स निकाली थी और स्ट्राइक रेट रहा था केवल 10.9 का। सेफ कैप्टेंसी पिक्स की तरफ चलते हुए, वी नॉमिनेट पर्थ स्क्वाटर से एंड्रयू टाई को और ब्रिस्बेन हीट से कॉलिन मुंड्रो को, जिन दोनों के हम नंबर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंशियल कैप्टेंसी की बात करी जाए तो हम नॉमिनेट करेंगे माइकल नीसर को, अगर ये पहले बॉलिंग करते हैं तो। आज के प्रीव्यू में इतना ही दोस्तों। ऐसे ही अगर और गेम्स के टिप्स चाहिए और इनसाइट्स चाहिए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो वी यू स्पोर्ट। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ फॉलो आवर टेलीग्राम फॉर मोर मैच प्रीव्यूज़। लिंक मेंशनड है डिस्क्रिप्शन में। और आपको पता ही है कि मैं नेक्स्ट क्या कहने वाली हूँ, वुमेन सुपर स्मैश का ब्लॉग ज़रूर पढ़िएगा, लिंक दोनों कॉमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में मेंशनड है। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।